हेलो गाइस, आई एम ओजिल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा है ECM ट्रेनिंग क्लास 19। इस वीडियो में जो है इंजेक्टर आईसी हमारा है 4005। इस आईसी का क्या इनपुट है, कितना वोल्टेज इसको वर्क करने के लिए चाहिए, वो सब जो है मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई चीज़ जो है थ्योरी में छूट जाता है तो प्रैक्टिकल में कवर हम लोग करते हैं उसी तरीके से काम करके। तो गाइज वीडियो चालू करने से पहले जो है आज के हम स्पॉन्सर की बात कर लेंगे। तो आज के हमारे स्पॉन्सर हैं अरशद भाई, जो नवी मुंबई से बिलोंग करते हैं, और दूसरे हैं समीर भाई, जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। तो इनका जो है मैं दिल से धन्यवाद करूँगा कि भाई इन्होंने वीडियो को स्पॉन्सर किया है। तो गाइज चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप क्लास जो है हमारा 1, 2 और 3 नहीं किए हैं, तो सबसे पहला जो है जाके आप इस वीडियो को जाकर देखिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप नहीं देखिएगा सप्लाई आईसी के बारे में तो आगे जो है आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं वो सप्लाई आईसी जो है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फिर मैं हर ECM पे वो उसको नहीं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या चेंजेस है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इस आईसी में जो है ये पिन इस काम ये काम करता है, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। और बाकी जो है आप वीडियो फुल देखिए, पूरा जो है उसके अंदर जानकारी दिया गया है। तो चलिए थोड़ा जो है मैं आपको इसमें थ्योरेटिकल में एक्सप्लेन कर दूँ, फिर प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई भी इंजेक्टर आईसी हो उसको ऑन करने के लिए जो है थ्री टाइप के वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है इसको ऑन करने के लिए, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है 5 वोल्ट सप्लाई होती है। जो 5 वोल्ट सप्लाई कहाँ से आती है, तो ये पावर आईसी से आती है। कौन सा? 4007, ठीक है, 4007। अगर आपने वीडियो अगर नहीं देखा है 4007 देखिए, मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी सब, टोटल पिन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो उसमें मैं बताऊँगा तो आपको कवर करना है उसी को ही, ठीक है। तो ये जो है 5 वोल्ट पिन नंबर 2 पर 5 वोल्ट आएगा सप्लाई आईसी से, और जो है पिन नंबर 20 पर, जिसको पावर आईसी बोलो चाहे सप्लाई आईसी बोलो, पिन नंबर 2 पर पिन नंबर 20 पर 5 वोल्ट इनपुट आएगा। फिर दूसरा जो है हमारा रिक्वायरमेंट वो है 3.3 वोल्ट का। 3.3 वोल्ट में ये वर्णा फ्लूडिक के ECM में जो है आपको आएगा पहला जो है 34 पिन से जो है 3.3 वोल्ट आएगा पावर आईसी से। फिर 57 पिन पर आएगा, फिर 63 पिन पर जो है 5.5 वोल्ट आएगा। कहाँ से आएगा? पावर आईसी के अंदर। मैं बता चुका हूँ कि पावर आईसी का 26, 27, 28 पिन से जो है 3.3 वोल्ट आउट होता है, तो 3.3 वोल्ट जो है इधर ही आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ग्राउंड है, जो 14, 15, 16 पिन पर ग्राउंड रहेगा, 41 पर भी ग्राउंड रहेगा, और 64 पर जो है ग्राउंड रहेगा, ठीक है। उसके बाद 12 वोल्ट की बात करेंगे। 12 वोल्ट हमारा 36, 37, 38, 39 पिन नंबर 36, 37, 38, 39 सबके आगे जो है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा रहेगा। 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। इसके अंदर जो सप्लाई है वो इग्निशन वाला सप्लाई नहीं आएगा। जो हम लोग इग्निशन देने के बाद जो मेन रिले ऑन होता है, तो वो वाला जो 12 वोल्ट आता है, तो वो 12 वोल्ट यहाँ पर आएगा। मैंने लिख भी दिया है कि मेन रिले ऑन, जब मेन रिले ऑन होएगा तब ये 12 वोल्ट कैपेसिटर में स्टोर होके तब इधर से यहाँ आता है। तो ये चार हमारा जो है 12 वोल्ट सप्लाई है। तो बहुत लोगों को पता नहीं था कि इंजेक्टर आईसी में भी 12 वोल्ट आता है, सबको पता था कि सप्लाई आईसी में आता है, तो आज पता चल गया है। मैं पूरा जो है एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा तो समझ में आएगा, और एक साथ पूरा पिन बना दूंगा तो पहली बात ये पेज में भी जगह नहीं हो पाएगा और सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा मैं, और आपको समझने में बहुत दिक्कत आएगा, ठीक है।
और तीसरी जो सप्लाई, चौथी जो सप्लाई आती है हमारी जो है 48 वोल्ट। ये 48 वोल्ट बनाने में जो है ये आईसी का, और ये आईसी का जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल्स होता है इन दोनों का, इसको 48 वोल्ट क्रिएट करने में। 48 वोल्ट क्रिएट होता है, उसके थ्रू जो है आपको एक कैपेसिटर मिल जाएगा, ये कैपेसिटर में स्टोर होता है, और ये स्टोर दो रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा। दो रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद एक जो है पिन नंबर 17 को चला जाएगा इंजेक्टर ड्राइवर को, दूसरा प्रोसेसर को चला जाएगा हमारा 1766 मतलब DC161766 पिन नंबर 61 पर जो है ये चला जाएगा। ठीक है, ये 48 वोल्ट यहाँ रहेगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद जो है यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वोल्टेज जो है ड्रॉप्ड हो जाएगा। ये ऑन बोर्ड में हम लोग करेंगे तो पता चलेगा कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो चलिए गाइज मैं आपको प्रैक्टिकल जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने पावर आईसी का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि 5 वोल्ट जो सप्लाई होता है हमारा वो कहाँ से इन होता है, कहाँ से आउट होता है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग जो है ग्राउंड को देख लेंगे। तो ग्राउंड का जो है सिंपली जो है आपको ये बॉडी पे रखना है, और पिन नंबर 14 ये देखिए, ये तीन पिन पे जो है ग्राउंड आ रहा है, 15 14 16 15 14। ठीक है, उसके बाद कहीं नहीं आपको दिखेगा। उसके बाद जो है कितना है पिन नंबर 41 पे ग्राउंड है, तो देखिए यहाँ से चेक करेंगे तो कहीं नहीं दिखेगा, और 41 पे देखिए, यहाँ 41 पे ग्राउंड दिखा, उसके बाद कहीं नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारा 64 पर, तो मैं यहाँ से चेक करूँगा, देखिए कहीं नहीं, जैसा 64 आएगा देखिए ये ग्राउंड, तो हमारा ये ग्राउंड क्लियर हो गया। ठीक है, इस आईसी में अब 5 वोल्ट की बात करेंगे, तो 5 वोल्ट जो है हमारा ये वाला ये कैपेसिटर है, पिन नंबर 26 से जो है 5 वोल्ट आउट होता है, 26 से पिन 5 वोल्ट आउट होएगा, 5 वोल्ट ये आउट होएगा, तो 5 वोल्ट जो है कितने नंबर पिन पे जाएगा, पहला तो 2 नंबर पिन पे जाएगा। ठीक है, 2 नंबर पिन पर चला गया 5 वोल्ट, उसके बाद जो है 20 नंबर, तो ये 16 हो गया हमारा, 16 17 18 19 20, देखिए 20, उसके बाद कहीं नहीं आपको मिलेगा 5 वोल्ट, सिर्फ ये 20 नंबर पिन पर जो है मिलेगा, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा, देखिए। ठीक है, ये 2 नंबर पिन और 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा सप्लाई जो आ जाता है 3.3 वोल्ट। तो 3.3 वोल्ट मैंने ये सप्लाई आईसी में मैंने बताया है कि पिन नंबर 27 28 जो हमारा होता है 3.3 वोल्ट आउट होता है, तो 3.3 वोल्ट जो है हमारा, जैसा कि मैं यहाँ से काउंट करूँगा 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28, इस साथ में रहेगा 27 एंड 28, तो ये इसका कैपेसिटर है छोटा वाला। अब जो है हम लोग इसको काउंट करेंगे कि कहाँ पे है 3.3 वोल्ट हमारा, पहला 3.3 वोल्ट जो है 34 पर है, तो 16 और 16 32 33 और 34 यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है 57 पर है और 63 पर है, तो 63 हमारा तो ये हो गया, और 57 यही लाइन में मिल जाएगा, ये देखिए ये 57 मिल गया, अब उसके बाद कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ये देखिए यहाँ सिर्फ मिलेगा 34 पर, उसके बाद मैं यहाँ भी चेक करूँगा तो नहीं मिलेगा, यहाँ भी ये देखो। ठीक है, 3.3 वोल्ट हो गया। अब जो है मेन हमारा 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट के लिए जो है 12 वोल्ट के लिए जो है मैं बताया था कि हमारा पिन नंबर आईसी का पिन नंबर 20 जो है हमारा 12 वोल्ट सप्लाई होता है, तो ये हमारा पिन नंबर 20 है, और 20 जो है ये देखिए ये हमारा कैपेसिटर पे आ गया, कौन सा कैपेसिटर, मेन कैपेसिटर जो होता है उस पर आ गया, और ये 12 वोल्ट आपको ये चार रेजिस्टेंस लाइन से दिख रहे हैं, 1 2 3 4 रेजिस्टेंस है एक लाइन से,
ठीक है। और ये फोर रेजिस्टेंस अगर हम लोग क्रॉस करेंगे, 1 2 3 4, ये फोर रेजिस्टेंस क्रॉस करेंगे तो यहाँ आएंगे और यहाँ से देखेंगे तो पिन नंबर 30, पिन नंबर 36 पे सिर्फ शो करेगा। उसके बाद इसको क्रॉस करेंगे 37 पे दिखेगा, 37, फिर इसको क्रॉस करेंगे 38, ठीक है, इसको क्रॉस करेंगे 39, ठीक है, 39, ठीक है। तो ये चार रेजिस्टेंस जो है हमारा ये 12 वोल्ट का हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, फोर रेजिस्टेंस, देखिए ऊपर वाला नहीं है कोई भी, सिर्फ ये फोर रेजिस्टेंस जो है, ये जो है हमारा पिन नंबर 36 37 38 39 पर जाएगा। जो रेजिस्टेंस है ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। अगर आप मल्टीमीटर पे ऑन बोर्ड चेक करोगे तो 0.9 किलो ओम शो करेगा, ठीक है। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो आता है हमारा 48। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो 620 जो होता है ये 48 वोल्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, 620 TG। तो ये 48 वोल्ट जो है हमारा यहाँ से यहाँ हमारा क्रिएट होएगा और जो है मोटा वाला जो कैपेसिटर है उसमें स्टोर होएगा, ये कैपेसिटर, ठीक है, ये कैपेसिटर है हमारा, इसमें स्टोर हो रहा है 48 वोल्ट। और देखिए यहाँ पे जो है इसका ये दिया गया है, और मैं इसको जो है क्रॉस करूँगा तो इसको जैसा ही मैं क्रॉस करूँगा तो यहाँ पे जो है मुझे एक रेजिस्टेंस, ये देखिए यहाँ मुझे शो करेगा, ये देखिए ये 48 वोल्ट है यहाँ और यहाँ देखिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए दो रेजिस्टेंस आया है, एक ये रेजिस्टेंस, फिर मैं इसको क्रॉस करूँगा तो फिर ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसको क्रॉस करने के बाद ये रेजिस्टेंस, और ये वाला जो है हमारा ग्राउंड हो जाएगा, ये ग्राउंड हो गया है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ से क्रॉस करने के बाद ये होल में चले गया, और ये होल जो है मैं क्रॉस करूँगा इधर साइड, ये होल्स जो है मैं क्रॉस करूँगा इस साइड तो मुझे यहाँ शो करने लगेगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ शो करेगा। और यहाँ जो है एक लाइन देखिए, यहाँ से एक लाइन जो है ये चला गया है पिन नंबर 17 को, और यहीं से जो है एक PFC के 61 पिन को चला गया। तो मैं दिखा देता हूं आपको पिन नंबर 17, ये पिन नंबर 17 को गया, फिर उसके बाद जो है ये पिन नंबर 61 को चला गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक क्लियर है कि कितनी सप्लाई आती है, क्या क्या सप्लाई आती है और किस तरह जो है ट्रेस किया जाता है, वो भी जो है इसके अंदर मैंने बता दिया हूँ। और ये जो है अभी मेरे पास जो है ये डेड बोर्ड है, ये डेड है, तो इसको जो है ट्रेसिंग करके आपको मैं इस वीडियो में जो है शो करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे वाले पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इसके आगे वाला पॉइंट जो है कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। तो ये वाला जो डाउट्स है आपको क्लियर होना चाहिए। अगर 48 वोल्ट नहीं बन रहा है तो सबसे पहला जो है ये दो रेजिस्टेंस को चेक करना है, ये दो रेजिस्टेंस को और ये तीसरा, ये तीन रेजिस्टेंस को। अगर ये नहीं बन रहा है, ये अगर ये इसकी वैल्यू आउट हो गई तो भी जो है ये ख़राब 48 वोल्ट नहीं बनेगा। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि यहाँ से इन दोनों का जो है यहाँ से जॉइंट होना चाहिए, 61 का और 17 का, ठीक है। तो ये चीज़ को जो है ध्यान में रखना है आपको, इस चीज़ को याद करके रखना है आपको कि पिन नंबर 2 में मेरा 5 वोल्ट है, 20 में 5 वोल्ट है, पिन नंबर 34 में जो है 3.3 वोल्ट है, उसके बाद पिन नंबर 33 में जो है हमारा 5.7 वोल्ट है, 63 में भी 3.3 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट 63 में भी 3.3 वोल्ट है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और कौन से गाड़ी में, तो वर्ना फ्लूडिक डीजल और वर्ना फ्लूडिक I20 डीजल, ठीक है, यही सब ECM में ही रहेगा, दूसरा ECM में अलग अलग हो जाएगा। तो सब ECM में मैं अलग अलग आपको जो है स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाऊंगा, ठीक है गाइज। अगर आप
वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जो है आप पूरा देखिए हमारा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है इस चीज़ पर। ECM ट्रेनिंग क्लास 18 EPS के ऊपर मैं बताया हूँ, ये भी 17 जो है हमारा EPS का इंजेक्शन सॉरी इग्निशन मोटर आउटपुट इनपुट किस तरह आता है, कहाँ कहाँ जाता है, किस तरह IC ऑन हो जाता है, सब बताया हूँ। फिर क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3 ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसको तो आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है सिस्टम IC है, ये इसमें कभी मैं एक्सप्लेन करूँगा सिस्टम IC, ठीक है। और ये हमारा जो है इंजेक्टर सेक्शन है हमारा, किसका है, स्विफ्ट का है, ठीक है, स्विफ्ट का है। इसको जो है मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा अभी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं, धीरे धीरे सब बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास खुद इतना काम रहता है कि मैं फ्री नहीं रहता हूं, और आप लोग के कॉल्स भी अटेंड करने रहते हैं, कोई भाई फंसा रहता है तो उसको भी क्लियर करना रहता है कि हाँ भाई यहाँ नहीं यहाँ चेक करो, यहाँ नहीं यहाँ चेक करो, तो सब कुछ इसी में है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट ज़रूर किए, एक प्यारा सा जो है कमेंट आप ज़रूर कर दिया करिए। और जो भी भाई स्पॉन्सर करते हैं वीडियो को, तो भाई उसके लिए जो है हमेशा कभी भी वो कॉल कर सकते हैं, और उनको जो है हेल्प हमेशा जो है मिलती रहेगी कि किस चीज़ में जो है मैं गाइड करते रहूँगा कि हाँ आप ये चीज़ चेक करें और ये चीज़ चेक करें। क्योंकि ये वाला जो सेक्शन था पिन नंबर 17, ये मैं अभी बताने वाला नहीं था, लेकिन एक हमारे स्पॉन्सर जो किया था भाई ने, उन्होंने पूछा कि मतलब किस तरह जो है 48 वोल्ट का कनेक्शन होता है, तो मैंने सिर्फ बताया हूँ, लेकिन आगे का जो है हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।